पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। रामदेव और बालकृष्ण पर अवमानना का आरोप लगेगा या नहीं, यह तय करेगा कोर्ट। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। आज कोर्ट बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना के आरोपों पर फैसला करेगा। मामले में पिछली सुनवाई 23 अप्रैल को हुई थी। पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से कहा था कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है, इसे 67 अखबारों में पब्लिश किया गया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस एड का भी साइज वही था, कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग लाकर हमें दें, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सिर्फ पन्ने पर ना हो पढ़ा भी जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया था कि अगले 2 दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की है। तो वही पतंजलि बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने 24 अप्रैल को अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया था। ये 22 अप्रैल के विज्ञापन में साइज में बड़ा था, इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी गई है। तो वही पतंजलि ने इस माफीनामे में लिखा है, हमसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से बिना शर्त माफी मांगते हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, हम सावधानी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं।